प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर में आज हम अध्ययन करेंगे डीएनए की संरचना। और डीएनए की संरचना में भी विद्यार्थियों आज हम डीएनए की जो रासायनिक संरचना है, जो केमिकल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि डीएनए मूल रूप से न्यूक्लिक अम्ल है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। लेकिन इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि डीएनए में बेसिकली कौन कौन से रसायन, कौन कौन से समूह पाए जाते हैं। आइए जानें डीएनए की संरचना के बारे में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी जो डीएनए है वह पांच कार्बन शर्करा यानी पेंटोज शर्करा जिसको बोलेंगे, नाइट्रोजनी क्षारक तथा फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बनता है। यह एक रेखीय बहुलक है जिसमें न्यूक्लियोटाइड इकाइयां एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये बंध एक न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज के 3-कार्बन को पास वाली न्यूक्लियोटाइड की पेंटोज शर्करा के 5-कार्बन से जोड़ते हैं। इस प्रकार डीएनए अणु की संरचना में फॉस्फेट्स तथा पेंटोजेज एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक शर्करा से जुड़ा रहता है। तो जो डीएनए होता है इसमें फॉस्फोडाइएस्टर बंध पाए जाते हैं। और नाइट्रोजनी क्षारक किससे जुड़े हुए होंगे बच्चों? शर्करा से जुड़े हुए रहते हैं। अब बात आती है आणविक संरचना, या जिसको हम कहें केमिकल कॉम्पोजिशन, रासायनिक संगठन। तो रासायनिक दृष्टि से डीएनए में 3 घटक पाए जाते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल, शर्करा जो पेंटोज शर्करा होगी, और नाइट्रोजनी क्षारक। सबसे पहले हम अध्ययन करें फॉस्फोरिक अम्ल। यह फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। यानी डीएनए में 3 घटक कौन कौन से हैं? फॉस्फोरिक अम्ल, शर्करा पेंटोज शर्करा जो 5 कार्बन वाली है, और नाइट्रोजनी क्षारक। तो जो फॉस्फोरिक अम्ल है वह आयन के रूप में, कौन से आयन? फॉस्फेट आयन के रूप में पाया जाता है, तथा शर्करा अणुओं के साथ जुड़कर डीएनए अणु की मेरुदंड बनाता है। यानी जो मूलभूत ढांचा है, जो बैकबोन है डीएनए की, वह फॉस्फोरिक अम्ल फॉस्फेट से बना होता है। यह एक न्यूक्लियोसाइड की शर्करा के 3-कार्बन के OH समूह से जुड़कर एक एस्टर बंध बनाता है, तथा दूसरी न्यूक्लियोसाइड की शर्करा के 5-कार्बन के OH समूह से जुड़कर दूसरा एस्टर बंध बनाता है। इस प्रकार फॉस्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा न्यूक्लियोसाइड आपस में जुड़ती जाती हैं। तो जो फॉस्फोरिक अम्ल है वो 2 एस्टर बंध बनाता है, जिनको फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉस्फोरिक अम्ल में पाए जाने वाले 3 अम्ल समूहों में 2 तो न्यूक्लियोसाइड की शर्कराओं को जोड़ने में काम आ जाते हैं, तथा बचा हुआ 3रा अम्ल समूह क्षारीय प्रोटीन के साथ आयनिक बंध बनाता है। तो ये तो हो गया फॉस्फोरिक अम्ल, जो 2 एस्टर बंध बनाता है, फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। दूसरा घटक है शर्करा अणु। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। शर्करा जो पेंटोज शर्करा है वो कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोज, जबकि आरएनए में राइबोज पाई जाएगी, जिसमें राइबोज शर्करा के 1 ऑक्सीजन परमाणु कम पाया जाता है। इस शर्करा में कार्बन 1 यानी जो C1 पर हमेशा हाइड्रोक्साइड OH समूह पाया जाता है, जिस पर क्षारक जुड़ता है। इस बंध में पिरिमिडिन क्षारक का प्रथम नाइट्रोजन परमाणु OH समूह से जुड़ता है, जबकि प्यूरिन क्षारक का 9वां नाइट्रोजन परमाणु जुड़ता है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा में पंचकोणीय वलय होती है, जिसमें 5 कार्बन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और C कार्बन होते हैं। उनमें से 2 कार्बन तीसरा और पांचवा कार्बन फास्फोरिक अम्ल से तथा पहला कार्बन नाइट्रोजनी क्षारक से जुड़े रहते हैं। तो जो शर्करा है विद्यार्थियों वो पेंटोज शर्करा है, 5 कार्बन वाली शर्करा है, और उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। इसके बाद आता है नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, प्यूरीन और पिरिमिडिन। ये कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है। प्यूरीन में 2 बेंजीन वलय होती हैं, जबकि पिरिमिडिन में केवल 1 बेंजीन वलय होती हैं।
प्यूरिन भी दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, जिनको ए और जी से प्रदर्शित किया जाता है। पिरिमिडिन मुख्य रूप से साइटोसिन व थाइमिन जो होंगी वो तो डीएनए में पाई जाएंगी, लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाई जाती है, ये अंतर हम जानते हैं। अब बात आती है न्यूक्लियोसाइड। तो डीएनए के तीन घटक हो गए, फॉस्फोरिक अम्ल, पेंटोज शर्करा या शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक। तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। विद्यार्थियों हमेशा याद रखना ये दो शब्द आएंगे, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर बनाते हैं। इसके साथ जब फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है, फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है, तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड डीएनए का एकलक है, मोनोमर है, यही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक तथा डीऑक्सीराइबोज शर्करा मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। इसमें फॉस्फेट समूह अनुपस्थित होता है। अगर फॉस्फेट समूह जुड़ गया इसमें तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा और डीएनए का एक मोनोमर एकलक हो जाएगा। चार प्रकार के क्षारकों के द्वारा डीएनए में निम्नलिखित न्यूक्लियोसाइड बनती हैं, एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन। यूरेसिल यहाँ पर आरएनए का है, थाइमिन और साइटोसिन इनकी संरचना आप देख पा रहे हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, ये आ रही है। ऊपर वाली प्यूरिन बेस हैं, प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारक हैं, ग्वानिन और एडिनिन। नीचे वाली पिरिमिडिन है, याद रखना पिरिमिडिन तीन प्रकार की होती हैं और प्यूरिन दो प्रकार की होती हैं। प्यूरिन तो डीएनए और आरएनए दोनों में ही एडिनिन और ग्वानिन पाई जाएंगी, डीएनए में पिरिमिडिन के रूप में थाइमिन और साइटोसिन, जबकि आरएनए में पिरिमिडिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाए जाते हैं। अब बात आती है बच्चों न्यूक्लियोटाइड इकाई में फॉस्फोरिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षारक का एक एक अणु पाया जाता है। हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। आप देख पा रहे हो ऊपर वाले चित्र में न्यूक्लियोसाइड है जिसमें केवल शुगर और बेस यानी शर्करा और क्षारक हैं, नीचे वाले में शुगर, बेस और फॉस्फेट है। तो जब फॉस्फेट समूह न्यूक्लियोसाइड से जुड़ जाता है तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। पॉली न्यूक्लियोटाइड संरचना, पॉली का मतलब होता है विद्यार्थियों बहुत सारे। तो डीएनए असल में एक बहु न्यूक्लियोटाइड या पॉली न्यूक्लियोटाइड संरचना है। जैसा कि विदित है कि डीएनए एक वृहद अणु है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, इसका निर्माण बहुत सारी मोनोमर्स इकाइयां जिन्हें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं उनके रेखीय क्रम में जुड़ने से बनी पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से होता है। तो डीएनए का जो एकलक है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और डीएनए को फिर हम क्या कह देते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह देते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। प्रत्येक श्रृंखला के मुख्य अवयव चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हैं जिन्हें चार अलग अलग प्रकार के क्षारकों की उपस्थिति के आधार पर विभेदित किया जा सकता है, यानी एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये अलग अलग जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं ये अलग अलग प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहते, अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हैं। इस श्रृंखला को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर फॉस्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा जुड़ी रहती हैं। श्रृंखला के एक सिरे पर शर्करा का 5- कार्बन व दूसरे सिरे पर 3- कार्बन होता है जिन पर कोई और न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ी रहती। ये महत्वपूर्ण बात है कि जो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होगी विद्यार्थियों उसमें एक सिरे पर तो 5वें कार्बन पर कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ी होगी और दूसरे सिरे पर 3रे कार्बन पर कोई न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो इन्हें ही 5-3- सिरे कहेंगे, यानी जब 5वें कार्बन पर कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ा हो तो वो 5वां
फाइडस सिरा, और तीसरे कार्बन पर कोई न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ नहीं है तो उसे थ्री डैश सिरा कहते हैं। इन्हें क्रम से थ्री डैश और फाइव डैश सिरे कहते हैं। अब आती है चार गाफ का नियम। 1950 में एक महान अमेरिकन जैव रासायनिक वैज्ञानिक इरविन चारगाफ ने डीएनए की संरचना को स्पष्ट रूप से समझने के लिए यह बताया कि डीएनए अणु में एडिनिन क्षारक की मात्रा थाइमिन क्षारक की मात्रा के बराबर होती है, इसी प्रकार ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। ए बराबर टी और जी बराबर सी, एडिनिन की मात्रा थाइमिन और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है, यानी प्यूरिन और पिरिमिडिन की जो मात्रा है वह समान होती है, और इसे ही इरविन चारगाफ का नियम कहते हैं, जिसमें ए बटे टी तथा जी बटे सी का अनुपात एक होता है। केवल क्वालिफाज जो 5:174 होता है उसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है। तो विद्यार्थियों, ये थी डीएनए की आणविक संरचना, डीएनए की मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर। आगे के वीडियो में हम डीएनए के मॉडल के बारे में, डीएनए के प्रकार, दूसरे न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।